नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई के बारे में, यूएई के बारे में। जी हाँ, फ्लाइटों से रिलेटेड हम बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई दुबई की स्थिति क्या है फ्लाइटों को लेके। जी हाँ, क्योंकि मैं बता दूं, 3 से 4 टॉपिक पे बात करेंगे कि दुबई की अभी जो फ्लाइटें चली हैं उनकी क्या स्थिति है उस पर हम बात करेंगे, और बता दूं कि अभी लोग क्यों नहीं जा पा रहे हैं दुबई। जी हाँ, उस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपका वीज़ा दुबई का है तो आप दुबई जा सकते हैं, दूसरी स्टेट पे आप नहीं जा सकते, इससे रिलेटेड भी बात करेंगे। वैक्सीन से रिलेटेड 6 मंथ वीज़ा एक्सपायर हो गया, यानी टोटली जो दुबई से रिलेटेड न्यूज़ है टोटली इस वीडियो में बात कर लेंगे भाई। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका जो भी पॉइंट है इस वीडियो में पूरी मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको वी से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, वी की फ्लाइटें स्टार्ट हो गई, सबको पता है, हो गई 5 अगस्त से। जी हाँ, 5 अगस्त को बात करें तो कम से कम 28 फ्लाइट, जी हाँ, इंडिया से 28 फ्लाइटें गई थी, जिनमें 20 फ्लाइटें यूएई में गई थी, 8 फ्लाइटें शारजा में गई थी। जी हाँ, अब इन फ्लाइटों की अगर स्थिति देखा जाए तो टिकटें आसमान को छू रही हैं, भीड़ बढ़ रही है, दुनिया उथल पुथल हो रही है दुबई जाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। बता दूं, दुबई की फ्लाइटें 50 से 60% अक्षमता के साथ गई थी, यानी 150-60 की अक्षमता आती है, यानी सीट होती हैं, लगभग 70-80-90 लोग ये एक फ्लाइट में जा रहे हैं, यानी जाने वाले लोग नहीं है, फ्लाइटें खाली जा रही है, ये स्थिति आप समझ लो। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके कुछ रीज़न है, मैं बता देता हूँ इसके रीज़न क्या है। पहला रीज़न तो यह है कि भाई वैलिड कर दिया कि जिन्होंने यूएई में एक वैक्सीन ली है उनका ही नंबर आएगा। तो बता दूं, लगभग 30 से 40% लोगों ने वैक्सीन ली थी, जिनके वीज़ा 6 मंथ वैलिड है उनमें से मैं बात कर रहा हूँ, तो वो बच गए बेचारे। उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका जॉब चला गया, 6 महीने के लगभग हो गए, कंपनी ने बोल दिया बहुत सारे लोगों को कि भाई जॉब ख़त्म है मत आना, तो प्रॉब्लम हो गई। काफ़ी सारे लोगों का जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, काफ़ी लोगों को अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है। आपको पता है भाई, GDRFA ICA का अप्रूवल लेना पड़ता है, दुबई का, अबू धाबी, शारजा का, तो वो भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से जो लोग जाना चाहते हैं वो भी लोग नहीं जा पा रहे हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। दूसरा, अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है। तीसरा, आप उनके वीज़ा वगैरह ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, वीज़ा भी ख़त्म हो रहे हैं, उसके अलावा जॉब ख़त्म हो रहे हैं लोगों के। भाई 6 महीने के वीज़ा पड़ा है लेकिन आगे पता चला कंपनी बोलती है भाई मत आना, तो जॉब ख़त्म हो गए ना, तो बंदा वहाँ जाके क्या करेगा इतना महंगा खर्चा करके। तो ये एक रीज़न है, इस वजह से मैं बता दूँ फ्लाइटें जा रही हैं खाली, समझ गए। अब फ्लाइटें खाली जाने के प्लस में एक पॉइंट निकल के आ रहा है जी, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी सरकार फ्लाइटें और जो डील देगी, इसमें डील किनको देगी कि फ्लाइटें खाली जा रही हैं, तो हो सकता है कि वो ये बोल दें कि भाई जिन्होंने, जिनके वीज़ा 6 मंथ वैलिड हैं और अपनी होम कंट्री में भी जिन्होंने वैक्सीन ली है वो भी अभी आ सकते हैं। अब भाई दुबई सरप्राइज देता है, कभी भी ये न्यूज़ आ सकती है, इसका हम कह नहीं सकते, समझ गए बात को। तो आपको भी तैयार होकर रहना है, जिन्हों का वीज़ा 6 मंथ वैलिड है लेकिन उन्होंने वैक्सीन इंडिया में ली है वो नहीं जा सकते थे अब तक, लेकिन अभी कभी भी ये न्यूज़ आ सकती है कि वो तैयार रहें तो वो भी जा सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ हो सकती है। दुबई सरकार ने, देखिए, लोगों ने एक सिस्टम बना लिया कि जैसे शारजा वगैरह में आपको पता है दुबई को छोड़ के होम क्वारंटाइन वाला एक ऑप्शन चल रहा था 10 दिन का, आप सबको पता ही होगा, रिच बांड बैंड बांधना, मैंने भी एक वीडियो बनाया था। अब लोग क्या कर रहे थे, दिमाग लगा रहे थे कि हम दुबई चले जाते हैं, दुबई से फिर शारजा या फिर अबू धाबी चले जाएंगे तो हमें क्वारंटाइन रहना नहीं पड़ेगा। लेकिन भाई दुबई आपको पता है वो तो आगे की सोचता है ना, उनको भी ये बात समझ में आ गई कि लोग इधर ज़्यादा आ रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है, उन्होंने स्टॉप कर दिया कि जिस बंदे का, जिस स्टेट का वीज़ा है वो वहीं जाएगा। एक समझने की कोशिश करें कि आपका दुबई का वीज़ा है तो आप शारजा एयरपोर्ट से दुबई नहीं आ सकते, एंट्री नहीं मिलेगी, समझ गए बात को। अब बहुत सारे लोग जो क्वारंटाइन करना पड़ रहा है शारजा में, अबू धाबी में, उधर उधर की साइड में, वो लोग दुबई के होकर उधर से निकल रहे थे, तो उनको बोल दिया भाई शारजा का वीज़ा है तो शारजा एयरपोर्ट उतरना पड़ेगा आपको, अबू धाबी का तो अबू धाबी उतरना पड़ेगा आपको, यानी दूसरे स्टेट में आप नहीं उतर सकते, आपको रिप्लाई, आपको वहाँ पे उतरने नहीं दिया जाएगा, समझ गए बात को। तो ये एक यूएई सरकार ने चालाकी बरती, चालाकी तो आपने भी बरती, मैंने भी बोला था कि भाई उधर अगर क्वारंटाइन हो रहा है तो आप दुबई होके चले जाओ ताकि उधर क्वारंटाइन नहीं होना पड़े, लेकिन 2 ही दिन निकले, 2 दिन में तो अपडेट आ गया कल तो कि आप नहीं जा सकते, जिसका स्टेट का वीज़ा है उसी स्टेट में आपको फ्लाइट लेके आनी है, इसमें आपको चेक कर लेना है भाई।
आपको चेक इसलिए कर लेना कि आपका शारजा का वीज़ा है, आपका आबूधाबी का वीज़ा है और टिकट बाई चांस दुबई की बन रही है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, या फिर वीज़ा दुबई का है टिकट आपको उधर से मिल रही है तो एंट्री नहीं मिलेगी, इस बात को चेक कर लें ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। जी हाँ, सिक्स मंथ वैलिड जो सिक्स मंथ एक्सपायरी जिनके वीज़ा हो गए, भाई देखिए मुझे आपको मुझे देखो सरकार की तरफ से तो कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार आपको बोल दे, जैसे कुवैत की सरकार या सऊदी की सरकार बोल रही है कि भाई टेंशन ले लो फ्लाइटें बंद है वीज़ा एक्सटेंड होते जा रहे हैं, वे की सरकार तो नहीं बोलेगी। आपको अपनी कंपनियों से हर बंदे का क्वेश्चन होता है, सर मेरा वीज़ा एक्सपायर 6 महीने बाद में, भाई कंपनी ही एकमात्र आपके पास ऑप्शन है, कंपनी से रिक्वेस्ट करोगे, कंपनी आपका अप्रूवल देती है तो आप दुबई उसी वीज़ा में जा सकते हैं, वरना आप उस वीज़ा में नहीं जा सकते। जी हाँ, एक अपडेट और भी निकल के आ रही है कि भाई विजिट वीज़ा वाले थर्ड कंट्री में 14 दिन का क्वारंटाइन बिता के वीए में आ सकते हैं, तो इस न्यूज़ को थोड़ा सा वेरीफाई कर लेना अपने स्तर पे। बाकी न्यूज़ चल रही है मार्केट में कि जो लोग विजिट वीज़ा में दुबई आना चाहते हैं, जिनके पास वीज़ा वैलिड वीज़ा है, वो थर्ड कंट्री जैसे कतर से या अलग कंट्री से जो रेड लिस्ट में नहीं है वीए में, उस कंट्री से आ सकते हैं, बाकायदा उनको 14 दिन थर्ड कंट्री में क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, ये उनकी कंडीशन है। जी हाँ, सरकार ने फ्लाइटों की बात करें तो 24 अप्रैल को फ्लाइटें बंद की थी, उसके 3-4 दिन के बाद में अपडेट आया कि जी भाई वैलिड गोल्डन वीज़ा वाले आ सकते हैं, उसके बाद अपडेट आया कि भाई सिल्वर वीज़ा 5 साल वाले वीज़ा वाले आ सकते हैं, फिर 2-3 महीने कोई अपडेट नहीं, आपको सबको पता है। अभी लेटेस्ट में अपडेट आया 3 अगस्त को कि भाई जिन्होंने वीए में वैक्सीन ली है वो लोग दुबई आ सकते हैं। अभी मेरी तरफ से मैं अपडेट बता रहा हूँ कि भाई वीए सरकार की ये घोषणा हो सकती है कि भाई जिन्होंने अपनी होम कंट्री में वैक्सीन ली है वो लोग वर्क परमिट वैलिड वीज़ा रेजिडेंसी होल्डर हैं वो आ सकते हैं, तो ये आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। उनके बाद में बता दूं कि मैन तो अभी जो स्टार्ट होगा वो डेफिनेटली यही होने वाला है कि भाई जिन्होंने होम कंट्री में वैक्सीन ली है अभी उनको छूट दी जा रही है, वो आ सकते हैं। उसके बाद में वर्क परमिट या विजिट वीज़ा वालों को कोई ऑप्शन, विजिट वीज़ा तो देखो स्टार्ट होना ही है क्योंकि एक्सपो 2020 अक्टूबर में है नो डाउट, तो अगस्त में और अगस्त महीना भाई आपके लिए इतना मतलब होने वाला है, लेटेस्ट मान सकते हैं आपकी अगस्त महीना एक ऐसा है कि आपके बहुत से निर्भर करेगा इसके ऊपर आने वाले समय में कि इस महीने में आंकड़े, हालांकि आज 9 अगस्त हो चुकी हैं, आंकड़े कम आ रहे हैं, 39-38 हज़ार आंकड़े आ रहे हैं, यानी डाउन होते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगस्त तक और कंट्रोल अगर इंडियन लोगों ने कर लिया कोरोना पे, 100% सभी देशों के लिए फ़्लाइटें स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इंडिया के लिए आपको पता है थाईलैंड ने फ़्लाइट स्टार्ट कर दी हैं, यूके जैसे देश ने भी इंडिया को रेड लिस्ट हटा दिया, उन्होंने भी फ़्लाइट स्टार्ट कर दी हैं, तो एक अच्छी बात है। तो भाई फिर और भी देश देखा देखी स्टार्ट करने लग जाते हैं, डोंट वरी, फ्लाइटें सब स्टार्ट होने वाली हैं। विजिट वीज़ा जिन्होंने अभी लेना है वो बिल्कुल न लें, टिकट न बनाएं, वरना आपको नुकसान हो सकता है, बार बार मैं वीडियो में बोलता हूं आपको। वर्क परमिट वीज़ा या विजिट वीज़ा जैसे कोई अपडेट आती है हम आप लोगों के लिए ज़रूर शेयर करेंगे। तो बस ये अपडेट देनी थी भाई, आपको तैयार रहना चाहिए, कभी भी वही सरकार आप लोगों के लिए ये नया अपडेट सरप्राइज दे सकता है या दे सकती है कि भाई ये लोग अभी आ सकते हैं कल से परसों से, तो आपको तैयार रहने की सख्त ज़रूरत है। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।